दशहराम परम प्रिय मेरे भाई बहन, गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 जून 2022 को पावन पर्व ये हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इसके विषय में पूरी जानकारी आप इस लिंक को टच करके जान सकते हैं, मुहूर्त आज से संबंधित। तो ये पावन पर्व के बारे में ब्रह्म पुराण में आया है, हरते दश पापानी तस्मात दशहरा स्मृता। दशहरा, 10 प्रकार के पापों को माँ गंगा जी हर लेती हैं। अगर इस दिन हम सत्कर्म करते हैं, उसमें भी विशेष रूप से माँ गंगा जी में गंगा सागर जाकर के, आप लोगों ने सुना ही होगा, सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर जाकर के अथवा उनकी कृपा से जहां भी सुविधा है गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। गंगा जी में नहीं जा पा रहे हैं तो अन्य कोई भी विशेष नदी है, तीर्थ है, सरोवर है, तो वहां जाकर के हमें उस दिन अवश्य स्नान करना चाहिए। उसके आगे की विधि भी बताता हूं। तो जैसे कि दशहरा की बात आई, 10 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं, तो 3 प्रकार से कायिक पाप, शरीर से किए जाने वाला पाप, 4 प्रकार के बोले जाने वाला पाप और 3 प्रकार से मन में चिंतन करने वाला पाप। तो ये मिलाकर के 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है अगर हम गंगा दशहरा के दिन श्रद्धा विश्वास भक्ति पूर्वक माँ गंगा जी की पूजा करते हैं। पूजा की बहुत सारी विधियां हैं, हवन की विधियां हैं, तो वो अपने आचार्यों को बुला करके आप लोग संपन्न करा सकते हैं। अगर इतना कुछ नहीं कर सकते हैं तो सामान्यतः गंगा दशहरा के दिन जो भी पूजा किया जाता है उसमें जो सामग्री अर्पित की जाती है तो हर सामग्री कम से कम 10-10 होना चाहिए। यहाँ तक आप डुबकी लगाते हैं तो वहां भी कम से कम 10 डुबकी होना चाहिए। हालांकि आप किसी भी तीर्थ में कभी भी कहीं भी जाते हैं, स्नान करते हैं, तो वहां सर्वप्रथम अपने इष्ट देव के नाम की डुबकी लगाना चाहिए। उसके पहले उस तीर्थ को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद में अपने कुल देवी देवताओं के जहां जहां भी श्रद्धा है उनके नाम की डुबकी लगाना चाहिए, उसके बाद में अपने पितरों के नाम का डुबकी लगाना चाहिए, फिर जो जीवित माता पिता सब लोग हैं, भाई बंधु दोस्त मित्र यार, उन सबके नाम की एक डुबकी लगा करके और बाद में कुछ 10-20-21 डुबकी एक्स्ट्रा लगा लेना चाहिए। तो एनीवे कम से कम 10 डुबकी तो उस दिन अवश्य लगाएं। इसके बाद में माँ गंगा जी की पूजा जो आप लोग परंपरा में करते हैं वैसे कीजिए। उस दिन हवन इत्यादि करना चाहिए, उसका मंत्र कोई विशेष आया है तो आप स्वयं करेंगे तो बहुत कठिन होगा। अगर हम ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ में जो है 10 बार अंजलि जल भर लिया, गंगा जल भर लिया, अथवा जिस तीर्थ में उस तीर्थ का जल भर लिया और चंदन एक फूल लिया, चंदन को टच करा करके आपके हाथ में, आपके जो भी साथ में कोई भी बंधु आपके हाथ में रख दिया और इन मंत्रों को पढ़ करके कम से कम 5 अंजुली जल गंगा जी में पूर्वाभिमुख जो है अर्पण कर देना चाहिए, अथवा जिधर से प्रवाह आ रहा हो गंगा जी का उस दिशा में अर्पण कर देना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिल हिल मिल मिल गंगे माम पावे पावे स्वाहा। ऐसा करके मिनिमम 5 अंजुली जल जो है अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है तो जो है मीठा जल है, सुराही में हो, मिट्टी के पात्र में हो, भर करके, पंखा है जिसको लोक भाषा में बेना वगैरह भी बोलते हैं, हाथ का बना हुआ है, भगवान ने दिया है तो आप कूलर एसी भी दान कर सकते हैं आज के समय के अनुसार में। पर प्राचीन काल में रस वाले फल हैं, जैसा कि आम नंबर 1 पर आता है तरबूजा है, खरबूजा है, तरबूजा को क्या बोलते हैं, वाटर मेलन या मेनन जो भी कहते हो, तो वो सब चीजें हैं। तो ये सब 10-10 संख्या में होना चाहिए। और अगर भैया कंजूसी करके दान करना है तो कम से कम 100 ग्राम या 50 ग्राम अंगूर ले लेंगे तो 10 अंगूर तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि कम पैसा है तो हम दान नहीं कर सकते हैं, उचित तो यह भगवान ने दिया है। उस दिन अपने घर में दिव्य जो वेद शास्त्र सम्मत आचार्य गण है, जिन्होंने अध्ययन किया है, पूजा किया है, पाठ किया है, जो जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे दिव्य आचार्य गणों को अपने यहाँ बुलाना चाहिए, उनका चरण प्रक्षालन करना चाहिए, सबको टीका लगाना चाहिए, दिव्यता से वस्त्र देना चाहिए भगवान का रूप मान करके, उसके बाद बढ़िया से जो है उनको भोजन करते हो तो भोजन कराए, बढ़िया आम वाम खिलाइए पिलाइए और एक एक पेटी जो है वो ले ना जा सके इतना भर के उनको कैप करके भेज दीजिए। इसके साथ में बढ़िया दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, जो बोएंगे वही प्राप्त होगा।
इतना आप 10 ब्राह्मण को नहीं कर सकते हैं, तो एक ब्राह्मण को ही बुला के विधिवत सेवा करके उनको ही 10-10 सामग्री जो है आप कहेंगे गुरु जी इतना नहीं कर सकते, उनके उपयोगी वस्त्र दे दीजिए, बाकी 10 रुमाल तो दे सकते हैं, तो ऐसा 10 जगह 10 का भी नोट रखेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं मिनिमम। तो ऐसा नहीं आप शक्ति करेंगे तो आप कर सकते हैं। इस दिन गंगा अवतरण की हमें कथा सुननी चाहिए, उसमें एक शिक्षा मिलती है कि सभी पूर्ववर्ती राजाओं ने तपस्या किया, पर भागीरथ जी ने ब्रह्मचर्य उम्र में तपस्या किया, बाल्यावस्था में तपस्या किया। संसार में जो भी लोग आज सफल हैं, विशेष करके 99% वो लोग बालपन से ही जो है प्रारंभ करते हैं अपनी तपस्या करना, जिस भी क्षेत्र में जाना है उसके लिए। तो यहां पर हमको शिक्षा मिलती है कि भागीरथ जी ने बिल्कुल कम उम्र में, ध्रुव जी ने भी कम उम्र में, प्रहलाद जी ने भी कम उम्र में, जो भी संसार में हुए आधुनिक सचिन तेंदुलकर से लेकर के आप जिनको भी मानेंगे, बालपन से ही लगे रहे, कोई संगीतकार हो, गीतकार हो, कोई भी हो, तो वो सफल होते हैं। तो हमें भी प्रारंभ से ही तपस्या करनी चाहिए। अब बात आते हैं 10 प्रकार के जो पाप हैं। तो भैया पाप जो है, जैसा कि 3 कायिक पाप हो गया, शरीर से किया जाने वाला पाप हो गया, तो उसमें सर्वप्रथम आता है कि बिना दिए लेना किसी का सामग्री रखा हुआ है उसके बिना बताए लेना, अथवा चोरी से लेना, अथवा कैसे भी लेना। इसके बाद में हिंसा करना, किसी भी प्रकार का हिंसा करना, जीव हिंसा तो सर्वोपरि है, माता पिता को भी डांटना, जोर से बोलना, अथवा कोई जानवर बैठा है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो या आप पैदल ही जा रहे हो, जोर से वहां पर पैर पटक दिया, कोई बिना प्रयोजन जो है पेड़ पर आपने ऐसा ढेला फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, ये भी एक प्रकार का हिंसा ही है। तो किसी प्रकार का हिंसा हमें नहीं करना चाहिए। आप हॉर्न बजाओ, आप गाना इतना तेज बजाओ, कोई वृद्ध आदमी है बेचारा वो घबरा जाए, कोई बच्चा सो रहा है वो जग जाए, ये सब भी एक प्रकार की आधुनिक हिंसा है। सारे हिंसा से हमें बचना चाहिए, उसमें भी जीव हत्या इत्यादि है तो पूर्ण रूप से मानी जाती है। इसके बाद पर स्त्री गमन, दूसरे की स्त्री के प्रति जो है एक बुरी भावना मन में रखना और उससे आगे बढ़ना। फिर वाचिक में आता है कि जय जय सियाराम, झूठ बोलना, झूठ बराबर पाप है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो झूठ बोलना, असत्य बोलना, कड़वा बोलना और निष्प्रयोजन बिना मतलब का गपशप मारते रहना, 4 प्रकार के पाप हो गए। फिर मानसिक पाप हो गया, दूसरे का अनिष्ट हो जाए, बुराई हो जाए, उसके लिए चिंतन करना कैसे दूसरे का बुरा हो। इसके बाद में दूसरे का जो सामान है हम कैसे घर में ले आए, कैसे उसको बेवकूफ बनाए, वो भी सोचना, अथवा चोरी के इत्यादि के लिए प्लान बनाना, और जो है नास्तिक बुद्धि रखना। तो ये 3 प्रकार के जो है मानसिक पाप हो गए, इसी में सब कुछ आ जाता है। इनको हमें नहीं करना चाहिए ध्यान दे करके। इसमें बहुत सारी कमियां मेरे अंदर भी हैं जो कई बार हो जाती हैं, कट बोलना, जय जय सियाराम, सत्य भी बोले तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इसका पालन करना चाहिए, प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, कई बार कई चीजें ध्यान देना चाहिए। तो मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, माँ गंगा से प्रार्थना है हमें भी सद्बुद्धि दें, सभी को सद्बुद्धि दें, भगवान से ही प्रार्थना है। बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका पूर्ण लाभ लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम।